इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये तूने क्या किया। गाना सुने ना, वही है कौन सा मूवी, याद होगा तो नाम कमेंट में जरूर कीजिएगा। टू एंड फ्रा इधर, सबसे पहले है वर्कआउट, इसमें क्या होता है हल करना। अब यहां पर अगर देखोगे तो वर्कआउट यानी कि वर्क अगर करके तुम आउट होते हो, यानी आपको कोई वर्क मिला, अगर आप कहीं मजदूरी करते हो, जॉब करते हो, राइट, और सरकारी नौकरी भी ले लीजिए ना, ऐसे भी तो बहुत सब आ रहे हैं आपको सरकारी नौकरी का, तो कीजिए ना सरकारी नौकरी, डोंट वरी ना, क्योंकि नौकरी ना बनना है, बनिए, क्या दिक्कत है। तो वर्क आउट इट मींस क्या, वर्क जैसे आप करते हो, नौकरी हो सरकारी हो प्राइवेट हो, और जैसे ही वर्क खत्म होता है तो आप उस जगह से आउट हो जाते हो। इट मींस क्या है, उस ऑफिस से उस स्थान से आउट हो जाते हो। इट मींस क्या है, हल करना, यानी कि जैसे ही आप आज का काम कंप्लीट फिनिश करते हो, आप हल करते हो, आपको आउट कर दिया जाता है, वर्क से आउट, फिर कल आइए। या आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हो, वर्क आउट, वर्क कंप्लीट हुआ आपको आउट कर दिया गया, क्यों, कि आपने उस वर्क को सॉल्व कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा वर्ड जो है वो है आपका वाइप आउट, इसमें से होता है बर्बाद करना। अब देखिए वाइप आउट इसको क्या करेंगे, वाइप को कर दीजिए वाइफ, वाइफ को कर दीजिए वाइफ, और वाइफ जो है ना घर से आउट कर देते हैं कौन, किसको, अगर आप घर में कोई चीज बर्बाद कर दीजिएगा तो, अगर आपकी वाइफ बोली कि आप वक्त पे आप अपना काम करके दिखाओ, यानी कि आज अगर आपकी वाइफ कही कि सुनिए ना जी आसरा मथवा पिरा था, यानी मथवा में सिरवा में तेल लगा दीजिए, अगर आप नहीं कर दिए तो आपकी खैर नहीं, यानी कि वाइफ आउट यानी वाइफ कर देते हैं आउट, आपको बर्बाद कर देता है जीवन, और जिसके जीवन में आया वाइफ उसकी जीवन हुई बर्बाद। क्योंकि कहा गया है ना कि साधु के लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया, और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। तो कहानी में ट्विस्ट बस इतना ही है कि वाइफ 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 आउट कर देती है, बर्बाद कर देती है जीवन। ये कहता है बेट ऑन, देखभाल करना। अच्छा देखिए बेटन वो कर तो बेटा ऑन, बोल सुनिएगा कॉन्सेप्ट को, सिर्फ एक से दो बार आप ट्राई कीजिएगा, देखिए आपके माइंड में कैसे बैठता है। जब भी आपके मन में आए वर्ड है सामने, वेट ऑन, ऐसे वेट माने क्या होता है, इंतजार करना, और इंतजार करना और ऑन, ऑन मतलब स्टार्ट, शुरू करना, यानी पर, यानी इंतजार करना उस जगह पर। तो वेट ऑन यानी कि बेटा ऑन, यानी बेटा काम पर कब जब लग जाता है, जब उसके माता पिता का तबीयत खराब हो जाता है तो बेटा देखभाल करने के लिए रेडी होता है, यानी कि बेटा उनकी देखभाल करता है, अगर घर में कोई नहीं हो बेटी तो उस कंडीशन में बेटा ही है जो बेटी का रोल निभाता है, राइट। तो वेट ऑन यानी कि बेटा ऑन, यानी कि बेटा ऑन हो गया किस काम के लिए, तो देखभाल करने के लिए। कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है, डाउट होगा कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। ये कहता है रन अवे, रन अवे मतलब होता है भाग जाना। अब रन माने दौड़ना, अवे माने रास्ता, यानी कि रन अवे यानी रन दौड़, अवे लड़की लेके भागा तो भाग, यानी कि भाग जाना, पकड़ाया तो भाग कूच दिया जाए, यानी कि क्या बोलते हैं, कभी कभी सुनते होंगे ना कि दोस्त जो है वो लड़की को लेकर फरार हो गया। इट मींस क्या, मतलब क्या कर रहा है, रन अवे यानी रन यानी दौड़ना, रन अवे यानी कि रन यानी दौड़, अवे अवे माने ऐसे भी क्या होता है, रास्ता, यानी कि रास्ता से दौड़ो भागो, पकड़ा जाएगा तो खुद देंगे, यानी कि रन अवे भाग जाना। और जब भी हम अगर कोई गलत काम करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, रन करते हैं यानी कि दौड़ते हैं अवे भागने के लिए। आगे क्या कहता है, गो अप ऊपर उठना। अब यहां पर सुनिएगा, गो अप, गो माने इंसान ना, अप माने ऊपर, यानी कि जाओ ऊपर, आज नीचे से जैसे धीरे धीरे ऊपर उठिएगा तो क्या होगा, ऊपर उठना। ऐसे भी देखिए अंग्रेजी के जितने वर्ड्स है ना हार्ड नहीं है, चाहे वो सिनोनिम्स ले लो, एंटोनिम्स ले लो, या आप फ्रेजल वर्ब ले लो, फ्रेजेस ले लो, हार्ड नहीं होते, बस उस वर्ड को आप लॉजिकली समझ नहीं पाते हो, जिसके कारण आपको वर्ड्स रखना पड़ता है। वैसे अगर देखोगे तो अंग्रेजों का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका था, क्योंकि अंग्रेजी तो अंग्रेजों का है, तो उनका एक बेहतरीन तरीका था कि
छूट डालो राज करो। सेम यही चीज आप अंग्रेजी में अप्लाई करो, तोड़ डालो और समझ लो, यानी वर्ड अगर बड़ा है ना तो इसको तोड़ो, उसी के अंदर उसके मीनिंग्स छिपे रहते हैं, बस उस तोड़ के उस लॉजिक को समझ गए ना तो आपको अंग्रेजी इजी लगने लगेगा। एंड दैट पर्सन हैव नो आइडिया टू हाउ टू ब्रेक इट, दैट पर्सन हैव दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, दे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग, सो आई ऑल्सो रिमेंबर इट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो हियर इज द मेन पॉइंट, फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड एनी लॉजिक इन इंग्लिश, देन फर्स्टली ब्रेक इट। आई होप अंडरस्टैंड। तोड़ो और उसकी मीनिंग को निकालो और समझो, बस इतना ही सा कहानी है। गो अप, गो माने जाना, अप माने ऊपर, यानी कि जाओ भैया ऊपर, तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर तो उठना तय है, सिंपल सी तरीका है। अब उतना भी ऊपर मत समझ लीजिए कि एकदम भगवान के प्यारा हो जाइएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए अगला वर्ड वही कहानी है, लेट इन। अब मान लीजिए लेट माने होता है देरी, इन माने में, यानी भीतर आने देना, यानी लेट अगर हो जाए फिर भी उसको भीतर आने देना। तो कभी कभी होता है ना, जैसे जो बहुत तेजस्वी लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, जिनको गुस्सा नहीं आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, लेट को कर लो लेट, यानी कि डिले होना, देरी होना, इन माने में, यानी कि कितना लेट हो जाए ना भैया, तो उनको जरूर आने देना। अगर आपको जैसे कुछ रईस लोग होते हैं, बड़े बड़े टॉप लेवल के जैसे राजनेता लोग, और इस कलयुग में तो आपको पता ही है कि जितना पाप कीजिएगा उतना ही पोजीशन आगे बढ़िएगा, समझ में आ रहा है ना, खुल के उतना नहीं बोलेंगे, और जितना आप सीधा सीधा बनिएगा ना उतना नीचे रहिएगा। ऐसा कुछ एक वीडियो में देखे थे, ये मेरे शब्द नहीं है, तो बोला था क्या कि लेट इन, यानी कि लेट भी हो जाए ना तो भीतर आने देना, समझ में आ रहा है क्या बोले। आगे क्या कर रहा है, लेट आउट यानी बाहर जाने, बाहर जाने जाने नहीं, बाहर जाने देना होगा, राइट। अब यहां पे देखिए, जब लेट हो जाएगा तो उसको आउट कर दो, यानी कि बाहर जाने देना, अंदर ना आने देना ससुर के नाती को, ससुर का टंगड़ी तोड़ के धो देवल जाए अगर वो लेट से आई तो। ऐसा होता है ना क्लास में, अगर आप लेट से गए तो टीचर क्या कहते हैं, आउट, मतलब एकदम बाहर जाओ, तो क्या बोलते हैं, लेट आउट, यानी कि बाहर जाने देना। यानी कि देखिए, लेट होने पर भी कुछ लोग कहते हैं कि भीतर आने दो, लेकिन लेट होने पर कहता है आउट हो जाओ, आउट यानी कि बाहर जाने देना, अंदर नहीं आने देना। ये क्या कहता है, कट डाउन, कम करना। अब इस वर्ड में अगर लॉजिक अगर आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा, कट माने होता है काटना, डाउन माने नीचे। मुर्गा का मुड़ी धरते जब काटते हैं तो क्या होता है, मुड़िया नीचे गिरता है ना, तो मुर्गा जो पहले था उस हिसाब से तो कम होगा ना। अगर इस पेन का हम वजन वेट करें तो इसका वेट अप्रोक्स 25 ग्राम में भी होगा, और इसका अगर ढक्कन हटा के वेट करें, कट कर दिए, इसको हटा दिए डाउन, तो इसका वेट डाउन होगा कि अप होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सोचने वाली बात है। जी हाँ, सेम चीज है ना, लॉजिक जिस समय आप समझ गए उस समय आपके लिए इंग्लिश आसान है, बस हम उस लॉजिक को समझ नहीं पाते हैं जिसके कारण हमारा इंग्लिश बहुत हार्ड लगता है। सो फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश द व्हाट इज द लॉजिक हियर, व्हाट इज द यूनिक पॉइंट दैट यू मिस नाउ, इफ यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट देन इंग्लिश इज नॉट अ वेरी टफ, इट्स अ वेरी इजी। सो कट, काटो, डाउन यानी कि नीचे, यानी कम करना, सिंपल सी बात है। ये कहता है क्राई अप, अब हिंदी को बोली मारो, हिंदी को बोली मारो, सिर्फ मतलब समझो, क्राई माने ऐसे भी होता है रोना चिल्लाना, अप माने ऊपर, राइट। तो अब मान लीजिए कोई बच्चा का कुछ हो जाएगा तो कैसे कहता, चिल्लाते रहता है क्रॉस के एकदम पूरा जोर से। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंसान को कभी पैसा नहीं देखा हो, अगर पैसा ज्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है, बहुत शोक करता है। यहाँ पे क्या कहता है, क्राई अप, प्रशंसा करना, यानी क्राई यानी कि चिल्ला रहा है एकदम ऊपर से, एकदम छत पर से ही प्रशंसा कर रहा है, हे भाई, ऐसे कहते हैं, हे भाई तेरा ध्यान तो लगा, मेरे पास भी कार रखना है,
तो यहां पर प्रशंसा करता है, आई एम ऑल्सो रिच मैन, लुक मी। समझ में आ रहा है ना? तो यही होता है क्राई ऑफ, तुम चिल्लाते रहता है ऊपर से, प्रशंसा करता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में इस लाइन को फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है? देखिए, वर्क आउट, काम हो गया तो बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि हल कर दिए काम तो हल करना, वर्क हो गया आउट तो बाहर निकालेंगे क्योंकि हल कर दिए काम। वाइफ आउट, यानी कि वाइफ कर देती है घर से आउट, क्यों? क्योंकि जब आपका जीवन को कर देती है पूरी की पूरी बर्बाद। ये क्या कहता है, वेट ऑन, बेटा ऑन ड्यूटी हो जाता है, किस लिए? तो देखभाल करने के लिए। वेट ऑन, बेटा ऑन ड्यूटी, किस लिए? तो देखभाल करने के लिए। रन अवे, रन यानी कि भागना, दौड़ना, अवे मतलब रास्ते से, लेकर भागता है यानी कि भाग जाना। गो, जाना अप ऊपर, यानी कि ऊपर उठना। लेट इन, यानी लेट से भी आने पर क्या कहते हैं, भीतर आने देना। और लेट आउट, यानी लेट होने पर भी आपको एंट्री नहीं मिलता है, आउट कर दिया जाता है, यानी कि बाहर जाने देना। ये कहता है कट डाउन, कट कर दो और उसको डाउन कर दो, यानी कि कम कर दो। क्राई डाउन, क्राई अप, यानी कि चिल्लाओ पूरे प्रशंसा के साथ। ऐसे होता है ना, अभी चल रहा है आप लोगों का सीजन, लव का सीजन, यानी कि वैलेंटाइन डे का सीजन चल रहा है, जिसमें रोज डे, आज है प्रपोज डे, एकदम क्राई अप कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, अरे मेरी वाली तो ये है वो है, जिस दिन वाली वाली छोड़ के गई ना उस दिन ना बउआ का नकमा ना मेरे बउआ ने छोना ने दाना खाया वाला बात हो जाएगा, ठीक है? छमोज में आज नहीं आता है, प्रपोज डे करो, रोज डे करो, सारा लूट के भाग जाएगी ना, तब सारा हग डे किस डे प्रपोज डे निकल जाएगा, ठीक है? अभी का प्यार क्या कहें यार, अभी का प्यार क्या कहें यार, दिल में कोई और, दिमाग में कोई और, समझ नहीं आता है कि कितने हैं और बहुत अजीब सा बात होता है जी। चलिए आगे आते हैं, हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ये कहना, जीवन में आए हैं तो प्यार करने वाले भी मिलेंगे, देखिए देने वाले भी मिलेंगे। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सी मिलता है या मिलती है। चलिए आगे आते हैं, आगे हमारा डाई आउट, इसमें होता है लुप्त हो जाना। क्या होता है? लुप्त हो जाना। अब फिर रटोगे, रटो मत। देखो यहां पे डाई माने क्या होता है, डेथ, किसी की मृत्यु। जब किसी की मृत्यु हो जाएगा तो वो उस धरती पर से आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए ना कि डाई, मरा, इस धरती पर से आउट हो गया, यानी इस धरती पर फिर दिखेगा नहीं, ना दिखेगा, तो यही होता है लुप्त हो जाना। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे की कहानी देखिए, कॉल अप, याद करना। अब देखिए, फिर रटोगे नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉल माने होता है पुकारना, और अप माने ऊपर, यानी ऊपर देख के हम लोग ना चांद तारे को देख के याद करते हैं, वो कहां थी, क्या कर रही होगी, पता नहीं कहीं गोबर वोबर ठोक तो नन रही है, चूल्हा में आग जला रही होगी, ये ससुरी कहीं बात कर रही होगी, अरे बाप रे बाप। मतलब यहां देखिए, प्यार महात्मा पद्री है, हमें ना उसको याद भी कर रहे हैं और थोड़ा सा डाउट भी कर रहे हैं। प्यार करे हो ना तो थोड़ा बिलीव करो, ठीक है? लेकिन पता नहीं बिलीव है इस धरती पर बच्चा हुआ कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज समथिंग इज सीक्रेट इन माई लाइफ, बट नाउ आई डोंट वॉन्ट टू शेयर दिस, सो लेट्स लर्न दिज वर्ड्स। कॉल अप यानी कि कॉल करते हैं, आप ऊपर देखकर बोलते हैं, याद करते हैं, वो पहली थी बारिश की बूंदे, कहते हैं ना, सुन 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 बरसात की धुन सुन, थोड़ा गला खराब है जी साउंड। ये क्या कहता है, बियर आउट, साबित करना। अब देखिए, फिर रटोगे तो मरत तो हमेशा कहना गलल कर देंगे, रटोगे रटोगे। बियर आउट, बियर माने क्या होता है, बियर पीना, अब पी के कोई आउट हो जाता है, यानी कि टूल हो जाता है, यानी एकदम कुछ साबित करने में लग जाता है, हमको जैसे है कोई, अरे हमको हाथी है, घोड़ा है, बंगला है, दिस है, डाइट है,
इस तरह से करने लगते हैं लोग पीने के बाद, यानी कि बियर पिए पूरा आपा से आउट हो गए, अपने आप को असाबित करने लगते हैं कि हम है शेर बाकी सब है बंदर के भेद। समझ में आ रहा है ना, यानी कि बियर पीने के बाद आउट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम बियर पीते हैं ना तब भी किसी के साथ पीते हैं, और वही व्यक्ति जब साथ पीकर जब पीकर उसको वो उसके ऊपर हावी हो जाता है ना, तो उस समय हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि भैया पिलाए है ना तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिए ना। काहे कि ना कोई भी चीज नहीं दुनिया में ना, अगर कुछ जानबूझ के गलती कर रहे हैं तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। शादी का लड्डू खाने के लिए बोले थे नहीं ना, कहे थे खाए हो ना, तब बर्दाश्त करो ना। जब वाइफ वाइफ जब आपको आउट कर रही है, आपके जीवन से खुशी बर्बाद कर रही है, तो टेंशन काहे के लिए ले रहे हैं? व्हाट इज द रीजन दैट यू टेक द टेंस? फर्स्टली रिलैक्स ना। हु गिव यू द चांस, हु गिव यू द आइडिया दैट यू सेलिब्रेट योर द मैरिज सेरेमनी एंजॉय विद द डीजे? कौन कहा था? तो भैया अगर बियर पियो किसी के साथ, जानते हो कि पीकर टूल हो जाता है, तो भैया बर्दाश्त करो, चुपचाप बैठ के बर्दाश्त करो, नहीं तो मार था पी के ना गाल लाल कर देता है कोई कोई, ठीक है? ये कहता है बॉयल ओवर, इट मीन्स व्हाट? उफन पड़ना। अब बॉयल माने होता है खोलना, ओवर माने ऊपर। क्या बोल रहा है? बॉयल ओवर यानी कि बॉयल माने खोलना, ओवर माने ऊपर यानी कि बॉयल ओवर यानी उफन पड़ना। किसी भी चीज को अगर आप देखिएगा, वन मिनट, वो बीच में कैसे फोन आ गया था जी, घर से फोन आ गया था, पता नहीं थोड़ा नाइट पूरा है ना, इसलिए सुबह आते हैं नहीं जाते हैं ना, इसलिए। चलिए टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम आए जी यहाँ पे, फिर से कॉल आया बाद में जाएंगे, अभी आप पहले पढ़ लो, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि टाइम एक बार निकल गया तो फिर आपके लाइफ में कम बैक नहीं करेगा। पैसा एक बार आएगा फिर जाएगा, फिर आएगा उससे डबल आएगा, लेकिन समय एक बार गया फिर कभी नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। अब अगले जन्म तो कोई नहीं जानता है क्या हो। सो बॉयल ओवर, किसी चीज को बॉयल करते हैं यानी कि उसको खोलाते हैं, तो क्या होता है? वो ऊपर से ओवर हो जाता है, उफन पड़ना है यानी कि दूध वगैरह। ये कहता है कॉल ऑफ, फिर रटो मत। कॉल माने पुकारना या याद करना, ऑफ माने बंद यानी वापस करना, यानी कॉल को ऑफ कर दो, बंद कर दो, वापस मत करो। लेकिन अक्सर होता है ना, चाल किया गया नंबर अभी व्यस्त है या डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है, कितने थोड़ी देर बाद डायल करे, अब बाबू का यह हालत खराब है कि मेरी सोना कहाँ बिजी है, किसके साथ बिजी है, पता नहीं मोबाइल क्यों बंद है, क्या कारण है, क्या रीजन है, एकदम बेचारा का लगता है कि जैसे कहीं किसी देश में बम और बारूद गिर गया है, इतना उसको एकदम थरथरी बज जाता है कि हमारे प्यार पर लगता है किसी और का अटैक में ना हो गया, मतलब कंफ्यूजन बढ़ जाता है जी, कभी प्यार करके देखिए ना तो पता चलेगा। सच में यार, ओ गॉड। चलिए, तो कॉल ऑफ इट मींस क्या होता है? वापस करना, यानी कि कॉल किसी को करते हैं तो वहां पे ऑफ कर दो, यानी कि वापस करते हैं। अगर मोबाइल बंद होता है ना, कॉल ऑफ होता है, उसको वापस फिर से कॉल करते हैं, कहीं स्विच ऑन हो गया होगा, फिर रात को नींद भी नहीं आता है, 10-11 बजे खोल के फिर कॉल करते हैं, कहीं कॉल उठा ले, कहीं स्विच ऑन हो गया होगा, ठीक है? ये देखिए सी ऑफ, सी माने तो ऐसे देखना होता है, ऑफ माने एकदम बंद, स्विच ऑफ यानी विदा करना। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखे संसार मिले। तो बाबुल की दुआएं लेके गई, अब तू भी हमको भूल जा, क्योंकि सीमा ने देखना ऑफ माने बंद, आज के बाद अब तुमको ना दिखेंगे, कहे कि विदा करना, मेरे बाबूजी हमको विदा कर दिए शादी करके। समझ में आया? सी ऑफ यानी कि विदा करना, अब नहीं, विदा कर दिए, क्लियर?
ये कहता है रन आउट, समाप्त हो जाना। अब यहां पे फिर देखो, रन माने दौड़ना, आउट माने बाहर, होता है ना। तो रन यानी कि रन यानी दौड़ रहे हो, और उसमें अगर आउट हो जाओगे तो तुम्हारा का रनिंग समाप्त हो गया। लॉजिक ना ही इतना वर्ड में आप क्लियर समझ जाओ कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड जिसको आप रटने में लगे हो, जो स्पीकिंग का हो या आपको अगर बोले तो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट को जिस समय समझ गया ना, आपके लिए वो वर्ड एकदम इजी हो जाएगा, हार्ड नहीं रहेगा, बशर्ते आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। तो देख रहे, रन माने दौड़ना, रनिंग के दौर में से अगर आउट हो गए तो आपका रनिंग क्या होगा, समाप्त हो जाना। इतना इजी है, इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है। थिंक ऑफ, याद करना, थिंक माने सोचना, ऑफ यानी अप, यानी अफसोस करो, थिंक सोचो, लेकिन ऑफ अफसोस करो और याद करो कौन सी बात होगा। अब यहाँ पे वो गाना मत गाइएगा भोजपुरी का कि याद कर जइया, ठीक है। भोजपुरी की कुछ ऐसे सॉन्ग होते हैं ना जिसकी बात ही निराली होती है, क्या कहें। थिंक ऑफ मतलब क्या हो गया, याद करना, और वही याद करना का एक और वर्ड था जो कि यहाँ पे था कॉल ऑफ, यानी कि कॉल ऊपर करके करते ना याद करते हैं। अब देखो दो वो वर्ड है, और दोनों में अगर देखोगे तो क्या कहानी है, इसमें अप है इसमें ऑफ है, यानी कि अब ऑफ अपन को याद करो, थिंक करके सोच के याद करना, सिंपल है। एक बार और इसको देख लेते हैं, जो डाई हो गया, मर गया, वो धरती से क्या होगा, आउट हो जाएगा, इटमीन्स क्या होगा, विलुप्त हो गया। कॉल ऑफ यानी कि कॉल करो ऊपर देखते हुए, यानी याद करते हैं, ऐसे में किसी को याद करना है तो ऊपर देखते हैं ना, ऐसे लगता है कि ऊपर वाला ही फ्लैट में कोई है उसका। बियर बीत, अब बियर किसी को बैठा कर पिलाइएगा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब कुछ लोग बियर पिए कर आपक होके आउट हो जाते हैं और साबित करने लगते हैं कि जैसे हम मर्द है। अब बियर पीने के पहले ना मर्द का कुछ समझ सकते हैं ना, ऐसा ही बात है। बॉयल ओवर, ज्यादा बॉयल हो जाता है, गर्म हो जाता है तो क्या होता है, उफन पड़ता है। कॉल ऑफ यानी कि कॉल करो लेकिन ऑफ कर दो, बंद हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, डायल किया गया नंबर, ऑफ बंद है, यानी उस कंडीशन में वापस फिर से करते हैं, कहीं मोबाइल खुल जाए। सी ऑफ यानी कि बाउल की दुआई लेकर चले, अब कभी नहीं दिखेंगे, विदा कर दिए हैं। रन आउट, रनवे से यानी कि जहां पे दौड़ते हो वहां से अगर आउट हो जाते हो यानी कि आपका रन समाप्त हो जाएगा। थिंक ऑफ यानी कि थिंक सोचो, ऑफ अपना जो है उसके बारे में याद करते हैं। इतना सिंपल लॉजिक है। आगे की कहानी को अगर देखोगे आप तो यहाँ पे कहता है गो ऑन, इट मीन्स जारी रखना। अब यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सिंपल है, रखने की कोई प्रोसेस है नहीं, जिसे यहाँ पे कहता है गो ऑन। गो माने होता है जाना, ऑन माने स्विच ऑन यानी कि कंटिन्यू उसका आपको करना, तो वही कहता है गो ऑन यानी कि जारी रखना, जाओ और ऑन रखो, यानी गो ऑन जारी रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर है, गो जाना और यानी कि कंटिन्यू जारी रखना। यहाँ कहता है ड्रो ऑफ, तैयार करना। अब ड्रो ऑफ मतलब देखो, बचपन में आपने बनाया था ड्रॉइंग, बचपन में बनाया था आपने ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग जो बनाते थे उसको ऊपर ले जाकर दिखाते थे, यानी कि अपने सीनियर को, किसको, अपने सीनियर को दिखाते थे कि सर ये बनाए हैं, इसको देखिए और हमें मार्क्स दीजिए। बचपन में मिली मार्क्स आज रद्दी के भाव में किलो में या कहीं पे पड़ा होगा, इसमें हमारा गुड और वेरी गुड मिलता था। आज अगर वही वेरी गुड और गुड की इंपॉर्टेंस समझ में आज होता तो आज अभी लाइफ में आप कहीं और होते हैं। बातें मेरी कुछ अलग लग रही है बट रियलिटी यही है। ड्रो ऑफ यानी कि ड्रॉइंग करते हैं और ऊपर वालों को दिखाते हैं, इसलिए तो तैयार करने के बाद। हम एक बिजनेसमैन है, हम डील करते हैं, चलिए डील करते हैं कि आपके कंपनी का 2% इक्विटी के बदले में मैं आपसे 10 लाख रुपया चाहता हूं, शार्क टैंक ऐसा सुने होंगे। वहां पे डील करते हैं विद क्या, उनके साथ, शार्क के साथ। इट मीन्स व्हाट, डील विद यानी कि व्यवहार करना, यानी कि व्यवहार अच्छा करते हैं डील। जैसे कोई बिजनेस में पहले डील जो होता है ना, वो पहले आपका व्यवहार देखा जाता है, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आपका व्यवहार, क्योंकि व्यवहार अगर अच्छा है तभी आपका व्यापार चलता है।
ये मेरे शब्द नहीं है, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा के शब्द है। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तभी आपका व्यापार आगे चलेगा, इसलिए पहले व्यवहार सुधारो, व्यापार ऑटोमेटिक चल पड़ेगा, यानी कि डील आपका जो है किसी के साथ वित्त अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए कहा गया डील विथ व्यवहार करना। कंफर्म समझ में आ गया? आगे की बात समझिएगा। आगे कहता है ब्रिंग अराउंड, यानी होश में लाना। अब ब्रिंग माने क्या होता है? तो ब्रिंग माने लाना, अराउंड माने होता है चारों तरफ। यानी जब अगर कोई भी व्यक्ति पूरे राउंड यानी कि सिर चकरा रहा हो, एकदम घूम रहा है उसका सिर, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो ब्रिंग यानी कि लाओ अराउंड, चारों तरफ से उसको होश में लाओ, थपथपा के चारों तरफ से। देखते है ना, क्या हुआ, पूरा ऐसे करके करते है ना, पूरा क्या हुआ, यानी कि क्या हुआ, उसको ब्रिंग करते हैं यानी कि लाते हैं राउंड, यानी चारों तरफ से थपथपा के होश में। अरे भैया जगो, शादी का लड्डू खाए हो, ऐसे करोगे, समझ में आ गया। तो ये होता है ब्रिंग राउंड यानी होश में लाना। लेकिन वही कहानी अगर देखोगे तो क्या है, ब्रिंग डाउन यानी गिराना। अब ब्रिंग माने लाना और डाउन माने नीचे, यानी उसको लाओ और डाउन कर दो, यानी कि क्या हो गया, गिराना। लेकिन वही कहानी अगर यहां पर देखोगे तो टर्न ऑन चलाना, टर्न ऑन TURN, टर्न माने घुमाना, ऑन माने शुरू करना, यानी कि स्विच ऑन करते हैं ना, यानी कि चालू करते हैं। तो टर्न ऑन यानी कि चलाना, यानी कि चला रहे हैं, तो टर्न ऑन चलाना, और टर्न ऑफ बंद करना, यानी कि टर्न ऑफ कर दिए, बंद कर दिए। अब एक बार पहले इसको क्लियर कर देते हैं। इधर कुछ एडम्स एंड फ्रेजेस है जिसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, फिर ये इजी है। पहले इसका एक बार खुद से अपने आप से कंफर्म हो जाते हैं कि याद हुआ या नहीं, रटे तो है नहीं, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना है। देखिए, वर्क अगर कर ले हुए सही समय पर तो आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि तो आपने उनको हल कर दिया उनका प्रॉब्लम। उसके बाद वाइफ को अगर आउट क्यों करती है, क्योंकि आपने शादी में लाया तो उसको बर्बाद तो करेगी आपका जीवन। बेट ऑन यानी बेटा ऑन ड्यूटी कब होता है, देखभाल करने के लिए। रन अवे यानी कि रन यानी कि दौड़ करता है, भागकर यानी लेकर भागता है, तो रन वे करता है। गो अप ऊपर जाते हैं, ऊपर यानी कि ऊपर उठना है। लेट इन लेट होने पर भी एंट्री दे देते हैं, यानी भीतर आने देते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो लेट होने पर आउट कर देते हैं, यानी कि बाहर जाने देते हैं, राइट। कट डाउन, कट कर दिए, डाउन कर दिए, कम करना। क्राई अप, क्राई होने, क्राई यानी कि चिल्लाते हैं ऊपर की तरह, कब, जब किसी खुशी की बात होती है, प्रशंसा, तो क्या कहें, क्राई अप, प्रशंसा करना। डाई आउट यानी कि मर जाने के बाद आउट हो जाता है, यानी कि लुप्त हो जाना। कॉल ऑफ यानी कि कॉल करते हैं और लोगों को याद करते हैं, यानी कि क्या, पुकारते हैं। बियर साथ में बैठाओ के पियाओगे, यानी कि बियर पीने के बाद कुछ लोग आउट हो जाते हैं, साबित करते हैं कि हम मर रहे हैं, क्या उसके पहले वो ना मर थे, लेकिन बियर भी थी, यानी कि बियर किसी को साथ में बैठाकर पिलाओगे तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोई चीज बॉयल होने के बाद उफान पड़ता है, राइट। कॉल को अगर ऑफ करते हो यानी कि कट करते हो तो फिर वापस करते हैं कि कॉल उसका ऑफ क्यों है, यानी कि उसका मोबाइल बंद क्यों है। सी ऑफ, आज के बाद नहीं दिखाई देंगे, ऑफ विदा करना। रनवे से अगर आउट हो गए तो क्या होता है, आप समाप्त हो जाते हो। थिंक ऑफ याद करना। आगे की कहानी क्या कहता है, गो ऑन इट मींस क्या, जारी रखना, यानी कि गो जाओ लेकिन उस काम को ऑन रखो, जारी रखो। किसी चीज को ड्रॉ करते हैं ऊपर दिखाने के लिए, यानी कि तैयार करते हैं। डील किसी के साथ करना है तो व्यवहार करना, व्यापार करना। ब्रिंग अराउंड यानी उसको क्या करते हैं, चारों तरफ से मारपीट के होश में लाते हैं। आगे कहता है ब्रिंग डाउन यानी कि किसी को लाते हैं और नीचे डाउन कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको गिरा देना होता है। टर्न ऑन यानी कि चालू करना, यानी कि शुरू करना, चलाना, और टर्न ऑफ बंद करना। ये कहानी था आपका टोटल फ्रेजेस वर्ब का, फ्रेजल वर्ब का, जो कि 25 थे। बट इधर कुछ 7 आपके आइटम्स है जिसको थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है, कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बरसात। कैट्स और डॉग यानी कि कभी भी अगर कुत्ते बिल्ली की लड़ाई देखना है ना, तो बड़ा घमासान होता है। सेम चीज बरसात के समय में ना, अगर खूब मूसलाधार बारिश हो रहा है, ठंड का ठंडक रहा है, एकदम भ्रम भ्रम हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मूसलाधार बारिश होता है। उसको फ्रेजल
फ्रिजेज के रूप में बोलते हैं, आइटम्स के रूप में बोलते हैं, कैट्स एंड डॉग। वही कहते हैं अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार किसी चीज को अगर बार बार करना हो तो क्या बोलेंगे, अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार। लेकिन कभी भी जवानी में अगर कुछ बात बोलना है तो हम वहां पे बोलते हैं बाय हार्ट। और ऐसे भी प्रपोज डे है ना, तो जितना भी मिल जाए उन सबको क्या बोलते हैं, बाय हार्टली आई लव यू, रियली आई लव यू बेबी। कुछ ऐसा करते हैं, लड़कियां होती हैं दुर्भाग्य है, इन लड़कों को चुपड़ी चुपी बातों में आकर फंस जाती है। कुछ लड़के भी होते हैं जो लड़कियों की चुपड़ी चुपी बातों में आकर फंस जाती है, वहां पे बोलते हैं बाय हार्ट। अरे बाय हार्ट का मतलब होता है दिल से नहीं, बाय हार्ट का मतलब होता है जवानी, युवा अवस्था, और युवा अवस्था में लोग ऐसी गलतियां करते हैं, ठीक है। तो बाय हार्ट यानी कि जवानी। ये कहता है बैग एंड बैगेज, बोरिया और बिस्तर। कभी भी कहीं भी अगर हम जाते हैं तो अपना बैग और बैगेज लेकर जाते हैं, यानी कि बोरिया बिस्तर लेके जाना चाहिए। अक्सर आप हॉस्टल में या कहीं रूम में लेते हो न्यू, तो वहां पे अपना पुराने रूम से पूरे बैग और बैगेज को समेटते हो बोरिया बिस्तर को, और एक नए जगह में जाकर आप रहते हो। ये कहता है रेड लेटर डे, यानी याद करने योग्य दिन, यानी कि रेड माने लाल, लेटर माने पत्र, अधेमन दिन, यानी कि वो लाल पत्र कब मिला था, जब पहला बार प्यार हुआ था। तो रेड लेटर डे यानी कि याद करने योग्य दिन, यानी याद कीजिए पिछले बार प्रपोज पर किसको प्रपोज किए थे, इस बार प्रपोज पर किसको प्रपोज कर रहे हैं, पिछले बार रोज डे पर किसको रोज दिए थे, कितनों को दिए थे, इस बार रोज डे पर कितने को और कितने नए को दिए हैं। ऐसी कुछ कहानी चलती है हमारे इंडिया का। अगर युवा की अगर बात करें तो उनका सारा, जिस समय अगर रियली कहें तो जिस समय उन्हें पैसे कमाने का लॉजिक सीखना चाहिए, उस समय वो लड़की कैसे पटाए ये सीखते हैं। और जिस समय लड़की पट जाती है, लाइफ में आ जाती है, शादी का लड्डू खा लेते हैं, तो उनका प्यार भी खिड़की से बाहर निकल जाती है, क्योंकि दरवाजे पर पैसे की कंगाली कदम रख देती है, और उसे पूरा करने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है। इसलिए जब आपको पैसे कमाने का कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, उस समय लड़की कैसे पटा हुए सीखते हैं, और यहीं पे आप गलत कर जाते हैं। ऐसे सबसे पहले आप पैसे कैसे कमा वो सीखो, उसको लड़कियां तो ऑटोमेटिक मैग्नेट की तरह आप में अट्रैक्ट होते आ जाएगी। पहले आप मैग्नेट तो बनो, लोहे के बने सारे चीज आपके इर्द गिर्द आकर चिपक जाएंगे। समझ में अगर आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर तो आप लोग करते ही हो। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, कहते ना एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में मुझे वो चाहिए तो चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर पैसे की इंपॉर्टेंस पता होती है वो पैसे बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन जिस इंसान को पैसे की इंपॉर्टेंस पता नहीं है वो कहते हैं एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, एट एनी रेट पर मुझे वो वस्तु चाहिए, तो ऐसे में बोलते हैं एट एनी रेट। लेकिन टू एंड फ्रा, इधर उधर, यानी टू एंड फ्रा, यानी टू और फरार हो जाता है, इधर उधर, टू एंड फ्रा, टू इधर उधर, फरार हो जाता है, टू एंड फ्रा, इधर उधर। यानी आप कभी कभी कहते हो ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये तूने क्या किया। गाना सुने है ना, वही है, कौन सा मूवी, याद होगा तो नाम कमेंट में जरूर कीजिएगा, टू एंड फ्रा, इधर उधर। अब समझ में आया होगा, इन सब का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो बेहतरीन तरीके से। अगर डाउट होगा तो आप क्वेश्चन जरूर करना कमेंट बॉक्स में।